गृह मंत्री बाला बच्चन जी, अगर आपने ये खबर नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। देशभक्ति और जनसेवा की बात करने वाली आपकी भोपाल पुलिस का एक अलग ही रूप सामने आया है। ये पुलिस रिश्वत तो लेती है, अगर रिश्वत समय पर नहीं दी जाए तो उस पर ब्याज भी लेती है और खुद लोगों को ब्याज पर पैसा देती है। बाला बच्चन जी, आपकी सरकार ने ऐसा वक्त बदला कि घूसखोरी भी सरेआम होने लगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बाला बच्चन जी आपने कहा था कि पुलिस की कार्यप्रणाली को बदलेंगे। आपने इसके लिए प्रयास किए और पुलिस की कार्यप्रणाली बदल गई। अब आप जो दृश्य देख रहे हैं ये भोपाल के रेलवे स्टेशन इलाके का है। इसे देखकर लगता है कांग्रेस राज में पुलिस ने हर काम की कीमत तय कर ली है। मोटरसाइकिल पर आया शख्स एक पुलिस वाला है, ये रिश्वत लेने के लिए आया है। रिश्वत देने वाली महिला ने इस घूसखोर का स्टिंग कर दिया। यह पुलिस वाला कह रहा है कि टीआई के लिए उसे रिश्वत लेना पड़ती है और समय पर रिश्वत नहीं दी, इसीलिए रिश्वत पर ब्याज भी देना पड़ेगा। बड़ा व्यवसायी है यह घूसखोर पुलिस वाला। इसकी बात सुने तो पता चलता है कि यह ब्याज पर पैसा भी चलाता है। जाहिर है पैसा टीआई के जरिए ऊपर तक अधिकारियों को जाता होगा। क्या करें, रोज रोज बुला लेते हैं। एक दिन में सब क्लियर कर दो तो रोज बुला। कितने दे दूँ सर? कितने दे दूँ? 12 देखे ना, 12 इस दिन का ब्याज नहीं होगा। हाँ सर, नहीं आ रही होगी 12 ब्याज ही लगेगा। कब का बोला था? एक दो दिन का। कितने दिन हो गया सर? मत तो करो अब, है ना। 9 ले लो। 9 बनिए की दुकान खोला हूँ क्या? हाथ से करते यार। अरे यार तुम शिकायत तो उधर मुंडी कर लेती जब पैसे की बारी आती। मैं कहता हूँ कि पैसे के लिए मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। अच्छा, पैसे के लिए तो वहाँ सबके सामने बात हुई थी। 50 में आपने बोला था। पहले तो आपने 40 में बोला था, फिर 50 में बोला कि जब वो टीआई नहीं मान रहा था। आपने यही बोला ना कि टीआई नहीं मान रहा, वो तो एक का कर रहा है। तो सर मैं ये एक इसलिए बोले, एक रुपया नहीं, छोटे बच्चे लेके आने, कम से कम कुछ तो रहम कर लो। आप मुझसे ये कल जेल चले जाए ना, मुझसे ब्याज पे पैसा ले लेना, ठीक है ना? कल ये जेल चले जाए मुझसे ब्याज पे ले लेना, मगर उनकी रकम में से पैसा मत मांगो, मैं अपनी जेब से दे दूंगा। आप टीआई ले रहा? कुछ टीआई ले रहा, ऐसा कोई पैसा नहीं है तो बिना टीआई के हम ले लें। अभी वो 50,000 और पेंडिंग है मम्मी के, वो कब आ रहा है? मम्मी वाले सर मैं क्या जानूं, मैंने ये 20% ब्याज पे लेके आए, ये मैं ही जान रही हूँ सर। अब आप तुम आई जाए, मैंने बोला था शिका को दे दो। मैं इसलिए आई कि शायद आपसे बोलूँ, शायद मान जाओ। तो मानने का सब मुझे 1,000 मिला के देना पड़ेगा। मिला देना सर अपने पास से, एक दे दो। अभी केस में मिला जुला कुछ नहीं, पैसे बहुत लग गए। अब ये बताइए, वहाँ से कड़ा उठाए, वहाँ से आपने नाम हटवाया इनका? नहीं, रसीद तो दी नहीं। रसीद तो डायरी में लगी हमारी। तो डायरी में लगी तो वहाँ पे अगर देते तो रसीद से हटते इनके मोबाइल, वहाँ से तो लोन हटना चाहिए ना। हट गया ना वहाँ के, इनके में मैसेज ही नहीं आया, मोबाइल में मैसेज आ जाता है। और इसकी गारंटी अब नहीं होना चाहिए मेरे आदमी को कुछ, ये आप सोच लो आपकी जिम्मेदारी। खुद का वो मुजरिम बना है वो, उससे जब्ती हुआ, वो कोर्ट में खड़ा होगा। तो अब क्या मतलब मेरे आदमी का? अब तो कोई मतलब नहीं ना। मालूम क्या मतलब तुम्हारे आदमी, वो चीज़ उसने भाई अगर तुम्हारे ही आदमी से बहन की वो मांगती है क्या पैसे काय के कड़े के, तो आप क्या मांगोगे उसके बदले बैंक से? कड़ा मांगोगे, बैंक कड़ा देगी क्या? काम खत्म हो जाए। हाँ, इसलिए मैं डर हूँ कि अब कुछ नहीं होना चाहिए। भाई मैंने जैसा कैसे किया ये मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है। अब वो जॉब वॉब कर ढूंढे, कहीं जा सकते हैं ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? एक फोन लगाऊंगा बस। अब कहे के लिए गाड़ी नहीं उठाना है? हाँ, गाड़ी लेना, गाड़ी को लेना। तो गाड़ी के लिए उनका क्या मैटर है? अब गाड़ी का, गाड़ी मेरे नाम पे सर। गाड़ी से बात ही नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं, उनसे क्यों बात करेंगे? गाड़ी मेरे नाम पे, मैंने फाइनेंस कराई, वो क्या मतलब होगा उनका? तभी तो कह रहा हूँ फोन लगाऊंगा एक और, तो तुम गरीब मत लगाना, तो मैं नहीं लगाऊंगा। नहीं, मुझे लगा आप शिखा दीदी को बोलेंगे, मैं इनसे बात करूंगा। गाड़ी आपके नाम पे, जब बुलाऊंगा तो आपको ही बुलाऊंगा ना। रजिस्ट्रेशन
लेकिन अब दत्ता हाथ जोड़ रहे हैं सर, पैसे के लिए मत बोलना। पैसे नहीं बोलूंगा गाड़ी का, वो गाड़ी के पैसे गाड़ी के कागज मंगवा लेना, मैं ले आऊंगी। रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी मिला है गाड़ी का, अभी पूरे अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है, इसलिए पूरे कागज भी नहीं आएंगे। गाड़ी का भी जब तक मम्मी के पैसा ना आए तब तक नहीं बोलना है, वो रखी नहीं, उसके बदले नहीं रखी है मैंने, मतलब बोलना। अब सर अब ये आप गलत बात कर रहे हो, आपने बोला था ये कर दो, आप गाड़ी ले जाना, हम अचार डालेंगे क्या गाड़ी का? अरे तो अभी मत बोलना, दस दिन मेरे पास चाबी, वो साहब लोगों को नहीं पता है। हाँ गाड़ी मेरे पास है, मैं उसकी गारंटी नहीं रख रहा हूँ कि जब 50 देंगे जब गाड़ी दूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। गाड़ी आपकी अलग रखी है, गाड़ी आप तब चाहे ले जाना, मगर 10 दिन और रुक जाओ उसमें देने से, और 10 के काम मैं पहले ही लगा दूँगा, ठीक है ना? चैलेंज को लगाऊंगा या तो मैं लगाऊंगा गाड़ी के लिए, आ रहा चुपचाप चाबी देना, गाड़ी निकाल के ले जाना, बात खत्म, पैसे नहीं दूंगा, काम मांगेंगे भी तो नहीं दूंगा, ठीक है? हमारा काम रुका है सर, एक गाड़ी है ये, लेके भैया अगर चले आते हम अटक जाते हैं। बात ये है ना कि हम कुछ काम धंधा नहीं, अब हम भी जॉब करने का सोच रहे हैं कि हम ढूंढ लें कुछ करें, ये पोजीशन आ गई, चार लोन है, किस्तें यार कहाँ से भरेंगे? जो ले लिए थे लोन, लोन गाड़ी ली थी तब लोन लेके उठाया था, अकेले आ जाते यार, मैं तो जाने की भी सोचता उधर से, तो आने की भी इच्छा नहीं हो रही। मैंने बोला था, मैंने कहा पैसे अपने पास रख लो, मुझे दे देना आराम से, जब कल आती तो पापा से भी मिल ले, कल कोर्ट वैसे ही आओ, कल पापा को पेश करें कोर्ट वैसे ही आना। सर जाए भाई, जाए सर, माने नहीं ना सर, आप माने नहीं, 500 रुपया तो दे दो, निकल लिए सर भाई, बैठो, बहुत बेकार हो सर आप। इस मसले पर पुलिस के अधिकारियों को सांप सूंघ गया। बताते हैं जीआरपी पुलिस ने चलती ट्रेनों में जहर खुरानी के मामले में रघुराज नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया था। उस मामले में आरोपी रघुराज की पत्नी से टीआई के नाम पर रिश्वत लेते आरक्षक विक्रम सिंह हैं। इनके टीआई मतलब थाना प्रभारी दुष्यंत जोशी हैं। गृह मंत्री बाला बच्चन जी, आपके बड़े अधिकारी एक आदेश निकालकर रिश्वतखोर आरक्षक विक्रम को कुछ समय के लिए निलंबित कर देंगे और फिर ये बहाल होकर अपने अधिकारियों के लिए घूसखोरी में लग जाएगा। बाला बच्चन जी, आप क्षमतावान हैं, इस मामले की ढंग से जांच करवाइए और इस रिश्वतखोरी की पूरी चैन का खुलासा करिए, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि एक आरक्षक सिर्फ अपने लिए सड़कों पर इस तरह घूसखोरी का धंधा नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।